बट इसका टेस्ट बहुत ही अलग है। अब जो खाओगे आपको जो फीलिंग्स आएगा अंदर से वो बहुत ही अलग से होने वाला है। थोड़ा सा अलग से एक्सपीरियंस है। इसमें यहाँ पर दबा दिया, अंदर ऐसे घुसा दिया। वाह, ये देखो पहला दुनिया का एकमात्र रिफिल करने वाला वाइन। दार्जिलिंग का लोकल वाइन सिर्फ 100 रुपए में, और उल्टा आपको मिलेगा ये बम्बू में। ओके, ये बांस से बनाया हुआ कोटरी है, और यहाँ पर मिलता है सॉस, सॉरी स्ट्रॉ, और यहाँ पर क्या कुछ डाला गया है मुझे पता नहीं गाइस। तो आज लोकल वाइन जो है बम्बू वाइन जिसको आप बोल सकते हो, बम्बू चिकन क्या है, बम्बू चिकन खाया है आपने, बम्बू बिरयानी आपने खाया है, आज आप एक्सप्लोर करने वाले हो बम्बू वाइन। दैट इज अ कंप्लीटली मेड इन लोकल दार्जिलिंग के वाइन है। तो भाई ये फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर। आपने अगर एक्सप्लोर किया है, इसे टेस्ट लिया है तो आप कर सकते हो, बट इज फर्स्ट टाइम एन एक्सपीरियंस। दार्जिलिंग का टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री, उससे भी कम होगा। एकदम आइसोलेटेड एक जगह पे हूँ, या देख सकते हो पहाड़ों के बीच में एकदम सुनसान जगह पे मैं हूँ अभी। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया ये बम्बू वाइन। ओके, इसको खाएंगे। इसको पहले बनाना पड़ता है, क्या क्या पानी वानी देकर कुछ चीज़ करके बनाना पड़ता है। तो भैया गया है जो कैंप का, जो जिस कैंप में हूँ दार्जिलिंग में, जिस कैंप में हूँ उसका वीडियो तो पहले ला चुका है, थोड़ा सा देख लो। वो भैया गया है उसको लाने के लिए। सो भैया थोड़ा सा एक चीज़ बोल दीजिए, इस चीज़ का, इसको क्या लोकल में क्या बोला जाता है? इसका लोकल नाम है तुम्बा। क्या है? तुम्बा। तुम्बा 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 तुम्बा। इसे ये कैसे, किससे बनाया जाता है ये चीज? ये काला काला है ना? हाँ जी, ये मिलेट। क्या है? मिलेट। मिलेट होता है ना? अच्छा मिलेट, पता नहीं मिलेट। अच्छा दूसरा, और ये थोड़ा इसको क्या बोलते हैं? गेहूँ। गेहूँ जी। ओके, ये कैसे बनाते हैं? आप लोग ही बनाते हो? आप लोग कैसे लाते हो? ये घर में ही बनते हैं। घर में बनते हो? यार ये दार्जिलिंग का लोकल बंदा। आपका नाम भैया? मेरा योगेन भाई साहब का ये पूरा कैंप टेंट का सेटअप है। उन्हें आज बोला भाई आज तो भाई आप लोग देसी विदेशी बहुत सारे टेस्ट आप करते हो वाइन का, पर ये मेड इन दार्जिलिंग वाला वाइन थोड़ा सा पी के देखो। तो चलिए भैया बनाओ, देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। क्या डालोगे इसके ऊपर भैया? थोड़ा सा बोलते रहो। गर्म पानी डाल के थोड़ा सा ऊंचा बोलो ना। 3-4 मिनट। हाँ जी, ओके। वाह, 3-4 मिनट गर्म पानी डालकर इसको ढकना पड़ता है। फैंटास्टिक। और ये है स्ट्रॉ से पीना पड़ता है। फाइन। ओके, और एक बार आप इस खत्म होने से आप इसको फिर रिफिल भी कर सकते हैं, जब तक खत्म नहीं होता। कल पानी खत्म हो गया तो फिर से पानी डाल खत्म कर सकते हो। अरे यार, ये दुनिया का फ्री रिफिलिंग वाइन है। सिर्फ इसका दाम, प्राइस थोड़ा सा बोल दीजिए। प्राइस अभी 100। ये एक टोकरी का दाम है 100 रुपीज। वन बैम्बू का 100। इसका कितना मिलीग्राम, कितना लीटर रहता है, कोई पता है आपको? लीटर इसमें 500। इतना डेफिनेटली तो बता नहीं सकते। 1 लीटर तो हो ही जाएगा। 1 लीटर जी, 1 लीटर मोटा मोटी 1 लीटर मोटामोटी हो ही जाएगा। तो भाई रणदीप, ये हम लोग का दूसरा पार्टनर है। रणदीप थोड़ा सा टोपी उतार, बहुत ठंडे आज। अच्छा एक चीज तो मुझे बता, तू तो एक्सपीरियंस है वाइन श्राइन का। हाँ। ओके, पहले बार ऐसा हंडी चिकन खाया है? हंडी बिरयानी तूने खाया है? पहले कभी नहीं खाया। ऐसा हंडी वाइन कभी पिया है? नहीं, कभी नहीं पिया। अच्छा एक चीज यहाँ पर बोला, जब तक ये खत्म नहीं होगा पानी डालो, फिर से पियो, पानी खत्म, फिर से पानी डालो। ऐसे ये रिफिलिंग करने वाला वाइन लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सप्लोरिंग। तूने देखा है पहले? क्या नहीं, कभी नहीं देखा भाई। मैंने भी नहीं देखा, रणदीप भी नहीं देखा। भाई ये आइडिया, इसका ये नया कॉन्सेप्ट है क्या दार्जिलिंग में, और पहले से बहुत दिनों से चलता है? ये बहुत पहले का कल्चर है यहाँ, पहले का कल्चर है। ओके। भाई दार्जिलिंग का दूसरा जो व्लॉग है, उस व्लॉग में ये सब इन्फॉर्मेशन शायद, मुझे तो पता नहीं ऐसा। ये क्या नाम बताया आपको, फिर से बोलो? तुम्बा। ये तुम्बा का ये इन्फॉर्मेशन शायद, मुझे पता नहीं पहले कुछ व्लॉगर ने दिया कि नहीं दिया, बट गाइज ये भला हो रहा है तुम्बा स्पेशल। तो 3 मिनट हो गया अभी जी, अभी हो गया, अभी टेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज नाउ टाइम फॉर लेजेंडरी टेस्ट। ओके, अब दिस तुम्बा को टेस्ट करके देखेंगे इसका स्वाद कैसे। भाई कहाँ से खींचे? यहाँ से थोड़ा सा घाटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक बार इसको डालने के बाद इसको ज्यादा इसे क्या करे, ज्यादा घुमाए मत। घुमाना नहीं है। अच्छा, इसको एक बार रखने से ओके हो गया, फिक्स रखना है। ओके, नहीं तो इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो चलिए भाई टेस्ट पहले कर। सो गाइस, आई एम रेडी टू हैव द टेस्ट ऑफ द तुम्बा। टेस्ट करके आपको दिखा दे इसका स्वाद कैसा है। वाओ, मैन तू एक बार टेस्ट करके बता, एक्सपीरियंस से बता, जल्दी कर। वाह वाह यस, एकदम गजब का स्वाद। ठीक तरह से रिव्यू देना, ठीक है, संभाल के ठीक तरह से रिव्यू देना। मतलब बहुत बढ़िया टेस्ट है। मतलब वाइन का, मतलब जो हम लोग पीते जो मतलब कॉस्टली वो, उससे भी ज्यादा ये स्वाद डिफरेंट है। और मुंह में थोड़ा थोड़ा कुछ दाना आ रहा है। वो किस चीज का दाना है? वो मिलेट का दाना है। मिलेट का ये सीड है क्या? जी सीड। अच्छा सीड है। वाह वाह। सो भैया आपका नंबर तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। अगर इस कैंप में आ रहे हो भाई, ये जो पेलिंग का, ये सॉरी पेलिंग नहीं, रेलिंग कैंप है, इस रेलिंग कैंप पे अगर आप आ रहे हो तो भाई से मेरा ये वीडियो दिखा देना। 1 2 3 स्टार्ट। आई एम सो एक्साइटेड। আমি এখন এটা খেতে চলেছি। ओके लेट्स मूव ऑन। দেখা যাক। ओह जॉय सस्ता टिकाऊ वाइन है। सीरियसली गाइस ये सस्ता टिकाऊ वाइन है। एक अगर एक बिलेती देसी और कोई खरीदोगे दोगे, दाम कितना? दार्जिलिंग सबसे एक्सपेंसिव है, 900-1000 रुपये तो लग ही जाएगा। आपने वोडका खरीदा था? ओके वोडका खरीदा था। वोडका का एक 750 का दाम कितना पड़ा? 990। मान के चलो 1000 रुपये एक वोडका का, 750 का 100 रुपये में, उस मैं तो बोलता हूँ उससे भी बढ़िया टेस्ट है इसका, एकदम बढ़िया टेस्ट है। सो गाइज वन मोर स्निप। राणादीप ने पी लिया है, जॉय ने पी लिया, अभी मेरा बारी है, दूसरा मैंने स्टिक ले लिया है, इसको भी गाड़ना है। ये जो गाड़ने का स्टिक, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? गाड़ना ही तो बोलते हैं ना। तो ये थोड़ा सा अलग से एक्सपीरियंस है। इसने यहाँ पर दबा दिया, अंदर ऐसे घुसा दिया। सो नाउ मैन, ये है राणादीप का, ये जॉय का, दिस इज माई वन। चलो यार, यहाँ पर आप शेयर करके नहीं पी सकते हो, ऐसे ही पीना पड़ेगा आपको। ये अलग सा साउंड, मुंह में कुछ सीड्स आ रहा है, और ये पूरा ये गर्मा गर्म, थोड़ा सा वार्म है। और ये चीज़ मैंने जो भैया ने बोला, क्या बोला? अगर पियोगे, यहाँ पर तो बहुत ठंड है। दार्जिलिंग का आज का एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री, बट यूजुअली आज जब दार्जिलिंग के हम लोग थोड़ा सा ऑब्बिट डेस्टिनेशन में, यहाँ पर ठंड ज़्यादा है, लगभग मान के चलो 2 से 3 डिग्री थोड़ा सा कम ही होगा। यहाँ पर हुडी मुडी पहन कर मैं आ चुका हूँ, हुडी जैकेट लेकर, बट वी नीड दिस काइंड ऑफ टू वार्म, टू कीप आवरसेल्फ वार्म। थोड़ा सा पीते हैं। ओह थोड़ा सा वाइन का टेस्ट है, सीड का सेड है, और ये घर में बनाया हुआ दार्जिलिंग का फैबुलस, एक बहुत ही गजब का टेस्ट है ऑफ दिस बम्बू वाइन। जस्ट सिर्फ 100 रुपए में 1 लीटर का वाइन। ये बम्बू बिरयानी खत्म हो गया। इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ, अब फिर से रिफिल करना कर सकते हो आप। वाह ये देखो, पहला दुनिया का एकमात्र रिफिल करने वाला वाइन। ये अभी पानी डालकर 2 से 3 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, वी हैव टू वेट 2-3 मिनट्स, उसके बाद इट विल बी रेडी। और क्या है? देसी होममेड वाइन, दैट इज बम्बू वाइन। तो थोड़ा सा भी इंतजार, पानी ये सोख रहा है, देखो पानी यहाँ पर सोख रहा है। ओके ये थोड़ा सा अंदर जा रहा है, पूरा सोख लेगा, उसके बाद आप टेस्ट पाओगे ये वाइन का। ये सेकेंड टाइम रिफिल ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। सेकेंड टाइम रिफिल करने के बाद इसका टेस्ट कैसा होता है वो भी दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा। ओके लेट्स मी हैव इट। परफेक्ट टेस्ट। पहला जो टेस्ट था बहुत ही गाढ़ा टेस्ट था, बट अभी जो टेस्ट है थोड़ा सा लाइट हो चुका है। दोस्तों ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा ख़त्म कर दिया वो बम्बू वाला जो वाइन था। बिलीव मी सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं आपको ये बोल सकता हूँ 2-3 चीज़ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो नशा जो चढ़ता है, इतना बहुत ही ताकतवर नशा ऐसा कुछ नहीं है, बट इसका टेस्ट बहुत ही अलग है। अब जो खाओगे आपको जो फीलिंग्स आएगा अंदर से, वो बहुत ही अलग से होने वाला है। जाते हैं, ये तो पूरा पैसा वसूल एक्सपीरियंस है। ऐसे पहाड़ों के बीच में, एकदम ऐसे लाइटिंग के बीच में खड़े होकर पार्टी करना दोस्तों के साथ, एक्सप्लोर करना, और साथ में अगर बम्बू वाइन हो तो कोई बात नहीं। सो भाई ये 10 का जो नंबर है, 10 का जो मैं जहाँ जिस 10 में दार्जिलिंग में हूँ उस 10। अच्छा रौनक 10 की इस जगह का नाम क्या बोल रहा था? बिजनबाड़ी। दार्जिलिंग बिजनबाड़ी। और जो ये रेलिंग जो कैंप है, अगर इससे आप आना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में तो नंबर है। और भाई उस भैया को दिखा है, भैया को बोल दो मैं ये बम्बू वाइन पीना चाहता हूँ। उसका लोकल नाम क्या था? वीडियो का पहले ही आपको लोग बताया था। और लोकल जो नाम है वो थोड़ा सा बोल देना, 100 रुपये मिल जाएगा। बट एक थोड़ा सा चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, इंडिविजुअल एक एक करके लेना। हम लोग ने 2 ऑर्डर किए थे, पहले एक पिए थे, दूसरे बार दूसरा ऑर्डर किए थे। आप एक एक जन एक एक पीना, सारा शाम ऐसे बैठकर पार्टी करते करते कहाँ कैसे बीत जाएगा, यू कांट फील दैट। सो गाइस, इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। होप सो आपने भी हम लोगों के साथ एंजॉय किया ये छोटा सा बम्बू वाइन वाला पार्टी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।